नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका और अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। तुला लगन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, विशेष रूप से कौन से कारक ग्रह होते हैं जिसकी दशांतर दशा में आपको फायदा होगा, कौन से मारक ग्रह बनेंगे जिसकी दशांतर दशा में आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। आपने अगर ग्रहों को समझ लिया अच्छे बुरों को, तो फिर आप बाकी की चीजें भी समझ पाएंगे, जैसे कौन से रत्न आपके लिए फायदेमंद है, कौन से दिन आपके लिए फायदेमंद है, कौन से रंग आपके लिए फायदेमंद है, कौन सी तिथि आपके लिए फायदेमंद है। तो आज हम राशियों के हिसाब से, हालांकि यहाँ पे हम संपूर्ण कुंडली का विवेचन नहीं कर रहे हैं, जिसमें हम ग्रहों को भी देखते हैं, ये क्योंकि आज मैं आपको आधे समझा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम समझ रहे हैं, तो हम इस सीरीज के अंदर राशियों के हिसाब से समझेंगे और जो अपनी अगली सीरीज होगी उसको संपूर्ण कुंडली समझेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो, स्टेप बाय स्टेप आप सीख सके। तो देखिये, तुला लग्न का मतलब 12 राशियां होती है। पहली राशि मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठी कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, दसवीं मकर, ग्यारहवीं कुंभ, बारहवीं मीन। अब मेष के स्वामी मंगल, वृषभ के स्वामी शुक्र, मिथुन के स्वामी बुध, कर्क के स्वामी चंद्रमा, सिंह के स्वामी सूर्य, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु के गुरु, मकर के शनि और कुंभ के शनि, मीन के गुरु। ये राशि को समझ लिया आपने, इसके स्वामी को भी समझ लिया। अब जो पहला भाव होता है वो आपके लगन को दर्शाता है। तो पहले भाव में क्या लिखा है, सात। सात का मतलब तुला राशि, पहले भाव में तुला राशि, तो स्वामी हुए शुक्रदेव, तो लग्नेश हुए शुक्रदेव, कुंडली के स्वामी हुए शुक्रदेव। अब शुक्रदेव के दो भाव होते हैं, तो एक लग्नेश को पहला भाव मिला और अष्टम भाव मिला, क्योंकि दूसरी राशि वृषभ, क्योंकि तुला जो शुक्रदेव होते हैं और लग्नेश हैं, उनको लग्नेश हैं और अष्टम भाव का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि कुंडली के मालिक हुए, तो शुक्रदेव कुंडली के अंदर कारक समझिए, उनकी दशांतर दशा में जातक को फायदा होगा। अब यहां पे विचार करने वाली बात यह है कि दूसरा भाव धन का होता है और ये वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हुए, तो दूसरा भाव धन का होता है और उनको दो राशि मिली, वृश्चिक और सातवां मिला केंद्र का मेष राशि। सातवें से आप पर पार्टनरशिप, आपका विवाह, आपका डेली वेज को दर्शाता है। तो देखो, भाव तो ये गलत नहीं है, पर जो मंगल देव है, जो मंगल देव है वो शुक्र के मित्र नहीं है, तो शुक्रदेव और मंगल देव के बीच में मित्रता नहीं होती, और अष्टम द्वादश थोरी के हिसाब से ये दोनों भाव मारक समझे जाते हैं। तो अगर कुंडली के जो दोनों भाव अगर शत्रु को मिले तो वो मारक समझे जाएंगे, तो इस वजह से कुंडली के अंदर मंगल जो है प्रबल मारक माने जाएंगे। अब दोस्तों आगे चलते हैं, नौ लिखा है तीसरे भाव में, मतलब नौ, नौ का मतलब धनु राशि, स्वामी होते हैं गुरुदेव। अब गुरुदेव की दो राशियां होती है, तो दो भाव मिलेंगे, धनु और मीन। छठा रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, परेशानी, कोर्ट कचहरी को दर्शाता है। तीसरा फिजूल की परेशानी, बहुत मेहनत करने के बाद जो फल मिलता है वो तीसरा। तो दोनों भाव इतने अच्छे नहीं, ये तो तिर्क भाव है और लग्नेश के मित्र भी नहीं, गुरु तो शुक्र को अपना शत्रु समझते हैं, तो इसी कारण जो गुरुदेव है वो भी प्रबल मारक बने। तो मंगल और गुरु दोनों के दोनों ग्रह इस कुंडली के अंदर मारक बनते हैं, दोनों के ग्रह मारक बनते हैं, इनकी दशांतर दशा में जातक को दिक्कत होगी। अब गुरु की दशा में क्या होगा, फिजूल के खर्चे, परेशानी, कोर्ट कचहरी, इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि गुरु अगर अपनी खुद की राशि में हुए तो काफी हद तक ये आपको सपोर्ट भी करेगा। ये जब हम पूर्ण कुंडली देखेंगे, ये जो हम विचार कर रहे हैं सिर्फ और राशि को देख के पूर्ण विचार करेंगे, जब हम जातक विशेष की संपूर्ण कुंडली के विचार करेंगे, जब हम गुरु को बैठा के चर्चा करेंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों, चौथे भाव में दस। चौथा भाव होता है आपके तमाम सुख का, भौतिक सुख, मकान, वाहन, लग्जरियस चीजें जो आपको चाहिए, पैतृक संपत्ति का, माता का विचार चौथे भाव से करते हैं। और ये त्रिकोण भाव, ये तो बहुत अच्छा भाव है। नवम और पंचम भाव से क्या देखते हैं, तो भाग्य का होता है आपके पूर्ण जन्म के भाग्य। नवम से नवम देखे तो पांचवा भी आपके भाग्य का, अनसर्टेन गेन, आकस्मिक लाभ जो मिलता है, आपकी पढ़ाई का, आपके सुख का, आपके मानसिक संतुलन का, आपकी बुद्धि का, बुद्धि कैसी रहेगी, पांचवा भाव। तो दोनों, एक केंद्र और एक पांचवा, तो दो भाव अत्यंत जबरदस्त मिलते हैं शनि को। इसी वजह से तुला लग्न के अंदर शनि सबसे अच्छे ग्रह है, लग्नेश से भी अच्छा ग्रह है, तुला लग्न के अंदर शनि को सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है। इसी वजह से लग्नेश के मित्र हुए और दो भाव बहुत अच्छे मिलने के कारण जातक को, तो शनि का अगर प्लेसमेंट हुआ तो जातक को सुख, संतान, आकस्मिक लाभ, ये तमाम चीजें मिलेंगी। हालांकि जैसे मैं बोलता हूं, ये हम राशि के विचार कर रहे हैं, अगर प्लेसमेंट खराब हो गया, ग्रह अगर गलत बैठ गया, तो कभी कभी ये अच्छे ग्रह भी आपको खराब फल दे सकते हैं, और जो खराब ग्रह हैं ये भी कभी कभी बाध्य हो जाते हैं आपको अच्छा फल देने के लिए। ये जब हम संपूर्ण कुंडली जब हम चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, तो देखिए यहां तक हमने विचार कर लिया, यहां पे कर लिया। अब देखिए, ये देखिए नवम भाव पे हम पहुंचिए,
नवम भाव पे पहुंचे। ये सारे ग्रह हम विचार कर चुके हैं। अब नवम भाव में देखिए तीन लिखा है, कुंडली का महत्वपूर्ण भाव माना जाता है नवम भाव, क्योंकि भाग्य का, भाग्य आपके साथ है तो तमाम चीजें आपके पास है, तो भाग्य का, धर्म का, पिता का, विदेश यात्रा का, किसको मिला बुध को, क्योंकि उनकी तीन लिखा है यहाँ पे, उनकी राशि होती है मिथुन और दूसरी होती है कन्या, तो द्वादश भाव का दोष नहीं लगेगा उनको, क्योंकि एक त्रिकोण का भाव मिल गया, लग्नेश के मित्र भी हैं, तो बुध भी इस कुंडली के अंदर प्रबल कारक बनते हैं, दशा दर्शन में बहुत फायदा मिलेगा। अब यहां पे आपको विचार करना पड़ेगा चंद्रमा का। देखिए चंद्रमा लग्नेश को अपना शत्रु नहीं समझते, और जो सूर्यदेव है, सूर्यदेव और चंद्रमा के बीच में मित्रता नहीं होती, तो यहां पे पर चंद्रमा को भाव मिलता है दसवां, दसवां भाव कर्म का, रोजगार का, व्यवसाय का होता है, तो भाव तो बहुत अच्छा मिला चंद्रमा को, पर दोनों के बीच में मित्रता न होने के कारण वो सम समझे जाएंगे। उनकी अगर प्लेसमेंट अच्छा हुआ, वो खुद के भाव में हुए यहां पे, अपने खुद के भाव में हुए या अपने मित्र के भाव में हुए, लाभ भाव में हुए, तो चंद्रमा यहां पे जाता को अच्छा फल देंगे, तो उनकी प्लेसमेंट देखना होगा जब तुला लगन के अंदर चंद्रमा का प्लेसमेंट, अगर प्लेसमेंट अच्छा यानी अच्छी जगह बैठे तो अच्छा फल, अगर खराब जगह बैठे तो फिर खराब, तो इसलिए फिलहाल सम समझिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए लाभ भाव में लिखा है पांच, पांच भाव था लाभ भाव का। अब सूर्य और लग्नेश में मित्रता नहीं होती, पर एक लाभ भाव मिलने के कारण बहुत से ज्योतिषकार इसको मारक मानते हैं, बहुत से इसको सम मानते हैं, पर मैंने अपने कुंडली जब हम विवेचन करा देखा, तो उसमें अगर सूर्य तुला लग्न के अंदर अच्छा है अपनी खुद की राशि में है या फिर सप्तम भाव में है मित्र राशि में है, तो वो जातक को अच्छे फल भी देता है, तो इसे फिलहाल मैं सूर्य को भी सम मान रहा हूं, और जब हम पूर्ण रूप से कुंडली विवेचन करेंगे तब हम सूर्य का विचार करेंगे कि वो खराब है अब अच्छे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तो तमाम हमने कुंडली देख ली, तो अगर आप अब ये समझ गए कौन से इसमें खराब ग्रह हैं, कौन से अच्छे ग्रह हैं, कौन से सम ग्रह हैं, अब अगर आपने ये समझ लिया कि कारक ग्रह हैं और इन ग्रहों का फिलहाल प्लेसमेंट भी अच्छा ही मानिए, तो उसके हिसाब से आप समझ पाएंगे ये जो ग्रह हैं आप फिलहाल मान के चलिए इनका प्लेसमेंट भी अच्छा है, तो उसके हिसाब से आप शुक्र का ओपल पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं, भाग्यशाली रत्न है आपका, शनि का नीलम भी पहन सकते हैं, लसुनी माफ कीजिए लाजवर्त पहन सकते हैं, लाजवर्त रत्न पहन सकते हैं, बुध का पंदा रत्न पहन सकते हैं, पेरिडोट भी पहन सकते हैं, राहु केतु का लहसुनिया और गोमित पर इनका प्लेसमेंट देखना होगा। और भाग्यशाली जो दिन होते हैं आपके लिए पांच होता है, छह होता है, आठ होता है, ये आपके लिए फायदेमंद दिन होंगे। कलर की बात करूं तो सफेद, गहरा नीला, नीला, हरा और काला, ये फायदेमंद आपके लिए कलर होंगे। शुक्रवार, शनिवार, बुधवार आपके लिए फायदेमंद होंगे, फायदेमंद दिन होंगे, इसमें आप अपने महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। और सूर्य और चंद्रमा सम है, मंगल और गुरु अत्यंत मारक है। मंगल और गुरु का तुला लग्न के अंदर हमेशा दान देना चाहिए, यानी मसूर की दाल का दान देना उत्तम रहेगा। चने की दाल गुरु के लिए होती है, तो चने की दाल का दान भी करेंगे तो बहुत फायदेमंद होगा। हालांकि इनका रतन आप कभी नहीं पहन सकते, बीज मंत्र भी इन दोनों ग्रहों का आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हम जैसे जैसे अब बढ़ेंगे और डेप्थ में और अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम आप सभी लग्न के बारे में चर्चा करेंगे, और अगली सीरीज के अंदर संपूर्ण कुंडली किसी जातक विशेष के बारे में चर्चा करेंगे।